अपना समय व्यर्थ करना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह से देखा है, जब वो 5 साल चीफ मिनिस्टर थे, वीडियो गेम खेलते हुए, टैबलेट पर गेम खेलते हुए, और इतने बड़े सूबे के मुखिया रहे, क्योंकि अपनी मेहनत पर तो उन्हें कुछ मिला नहीं। मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने पिताजी ने अपनी गद्दी पर बैठा लिया, और उस गद्दी में बैठने के बाद उन्होंने अपने बाप को ही लात मार करके भगा दिया। आज टोटी कहते ही लोग अखिलेश यादव कहने लगते हैं। जब कोविड से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, तो उन्होंने वैक्सीन को कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। जो आदमी इस तरह की बात करता है, उसके लिए उसके बारे में बात करना निश्चित रूप से समय गंवाना है। और मैं यही कहूँगा, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस का सर्वनाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी को की ताबूत में अंतिम खील टोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और आज का ये बयान भी वही काम। बंगाल आग में जल रहा है, बंगाल आग में जल रहा है, लेकिन कांग्रेस उसकी सुन नहीं ले रही है, क्या करें? देखिए, कांग्रेस सहित जितने भी विपक्षी दल हैं, इनकी कोई रीति नीति नहीं है। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए बयानबाजी करते हैं। आज हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को तरक्की पर देखने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति, सनातन धर्म को मानने वाले दुनिया में सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पुनः 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत देंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से हम सबका नेतृत्व करेंगे।